IMF को प्लीज कहो। ठीक है, आप डिफॉल्ट से बच गए हैं, खतरा टल गया है, ठीक है, आपकी चीजें सीधी हो रही हैं। तो इसमें ये जो रकम जिस रकम का ऐलान जेनीवा से हुआ है, इसमें 90% तकरीबन 90% कर्जा है। ठीक, 1.1 बिलियन की सिर्फ हमें एड मिली है, बाकी लोन्स हैं। सब मुल्क मिलके हमें सिर्फ 1 बिलियन दिया है, चाइना भी 100 मिलियन दिया है और इंडिया, अमेरिका भी 100 मिलियन दिया है और सब मुल्क EU। वो यानी पैसे हमने वापस करने हैं, किस तरह से करने हैं ये अभी वाजे नहीं है। ठीक है, बिलीव मी, लिटरली एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये खैरात है ना, ये वो पैसे ऐड क्या है, खैरात है। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मोटरसाइकिल इंजन की। अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोटरसाइकिल इंजन 2500 cc रॉकेट 3 ट्रायम्फ ट्रिपल बना लिया गया है इंडिया की जानिब से। देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है, सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है, उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं। मुझे लगता है कि जयशंकर साहब मेरे से 10 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन मैं उनके एक्टिविटीज पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ। वो जितने एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक, 10 किलो आटे के लिए यकीन करें लोग दाड़े मार मार के, रो बैग यू पकड़ा हुआ है अपने जिसे कहते हैं हाथों में, तो वो रो रहे कि यार ये चीन रहे मुझसे। इस हालत में हम पहुंचे, अभी इस तरह के एक और क्राइसिस आने वाला है। दालों का एडवांस बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, वेजिटेरियन भी नहीं हो सकते। नहीं, इसलिए कि वहाँ दालें आके लैंड होके रिलीज के लिए पड़ी हैं, आपके पास डॉलर नहीं है पेमेंट करने के लिए। पहले हमने कर्जा वापस करना है इतना, पता नहीं 23 अरब और कितना, तो ये कर्जा कौन वापस करेगा? आपकी चंगी सोच में लानत। तो बात करने वाले हैं, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मोटरसाइकिल इंजन की। अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोटरसाइकिल इंजन 2500 cc रॉकेट 3 ट्रायम्फ ट्रिपल बना लिया गया है इंडिया की जानिब से। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो हमारी इम्पोर्ट से ज्यादा होती थी, एक्सपोर्ट नहीं होती थी, और इम्पोर्ट पे भी बंद हुई नहीं है डॉलर की शॉर्टेज की वजह से। इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम से उनकी राय जानते हैं। आपने इंडिया की बात की थी, उन्होंने अपनी जो है इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है वो नहीं बनाई, वो जो है उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बनाई है। उनके यहाँ जो है वो लकड़ी के ट्रक चलते होते थे और हम लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये कितने गरीब लोग हैं। उनके यहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती थी, उनके जो है वो फिल्मों में मेड इन इंडिया का थी। उनके मिनिस्टर आते थे, उनके जो है वो मिनिस्टर आते थे, छोटी छोटी थी वो, उनमें फॉक्सी गाड़ियों में, और उस टाइम पे हमारे लोग जो है वो लेक्सस मंगा रहे हैं, तो क्या से क्या मंगा रहे हैं। और आज देखिए वो लेक्सस रोल्स रॉयस हर चीज वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। और इससे बड़ी बात, हम लोग आईफोन के इतने बड़े जो है वो जो मुद्दा है, आईफोन पाकिस्तान में एप्पल कंपनी ने लॉन्च ही नहीं किया। वो कहते हैं आप लोगों की औकात ही नहीं, आप इस जो है काबिल ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अपनी कंपनी खोले हैं। और आईफोन की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है इंडिया के अंदर, हाँ, उसके ऊपर मेड इन इंडिया। यहाँ पे गूगल ऑफिस नहीं खोल रहा, यहाँ पे ऑफिस खोला है आपकी जो है वो टिकटॉक है, बस यहाँ पे टिकटॉक ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का ऑफिस नहीं है। आपको पता है कि फैसलाबाद में फेसबुक का जो ये मालिक है आपका मार्क जकरबर्ग, इसके ऊपर तो इन्हें रसालत का पर्चा हुआ है 2011 में जो है, तो इन्हें रसालत का केस चला था कि जी फेसबुक पे जो है गुस्ताखाना मवाद चलता। फैसलाबाद में उस पर पर्चा हुआ है कि जी अगर मार्क जकरबर्ग आएगा फैसलाबाद में तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी ये साइकी है, आप रिपोर्ट करो, वो तो रहना चीज है यार। आप अपना नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगला जो है वो कंटेंट इस तरह का ना वो जो है करें। अच्छा, ये सब चीजें कैसे बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान इंडिया के साथ कैसे कम्पीट कर सकता है? इंडिया के साथ देखें, इंडिया के साथ जो वो अपना पहली बात है कि आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? उनकी इकोनॉमी और है, उनकी मेन चीज उनकी जो पावर है ना वो उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और पॉपुलेशन के भी अंदर स्किल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। उस चीज को आप इस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि आप अपने एजुकेशन सेक्टर में अच्छी तरह इन्वेस्ट करें, लोगों को जो है वो स्किल की तरफ ले गए हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दें, एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें, हेल्थ केयर के सिस्टम में जो है वो बेहतर आ जाएं। और मेन चीज के इंसान इस तरह की चीजें जो है वो कब सोचेगा,
जब उसका पेट भरा हुआ हो, ठीक है, जब उसको उसको यही फिक्र है कि यार उसने अपने बच्चों की रोटी पूरी करनी है, उसका जो है वो उसकी 15,000 सैलरी है, ठीक है, लट से, और उसको जो है वो अपने शाम के खाने की फिक्र होगी, तो वो कहाँ से सोचेगा कि यार हमने IT में जाना है, ये करना है, वो करना है, उसको तो यही है ना कि अब अपनी रोटी पूरी हो जाए तो उसके बाद जाके ये बाकी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो मतलब यही कि सबसे पहले आप एजुकेशन में लेके और वेलफेयर की तरफ थोड़ा जाए और एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी जो है वो अपनी बनाए, उसकी तरह उससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होंगी, एकदम नहीं हो सकती। इसको भी 80 साल से 100 साल लगेंगे, इसको इमरान खान भी नहीं ठीक कर सकता, इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ठीक कर सकती, इसको हम आवाम ठीक कर सकते, लेकिन वो अमान की जहनियत अब आपके सामने है।